दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखी है इमली डिकेंसन ने दोस्तों इमली डिकेंसन अमेरिस्ट मैसाचुसेट्स जो कि अमेरिका में एक जगह है 1830 में पैदा हुई और 1886 में इनकी डेथ हुई और 56 ईयर की एज की थी जब एमली डिकेंसन की डेथ हो गई इनकी शी वॉज़ वेरी फेमस फॉर हर रेक्लूसिव हैबिट्स इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है किसी के साथ ये सेक्ल्यूजन की लाइफ पसंद करती थी और एक अहम बात चनाच ये अलग रहती थी कमरे में बाहर ज़्यादा नहीं जाती थी तो इन्होंने अपने एंटायर करियर में कुछ ही पॉइम्स को पब्लिश कराया गालिबन दस या दस से ज़्यादा पॉइम्स को इन्होंने अपने करियर में पब्लिश कराया था और फिर ऑन जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर इनकी सिस्टर है जो इनकी पॉइम्स को पब्लिश कराती है उनका नाम है लेविनिया डिकिनसन और गालिबन 800 हंड्रेड 1800 एटीन हंड्रेड के करीब इनकी जो पॉइम्स है इनकी डेथ के बाद इनकी सिस्टर लेविनिया डिकिनसन पब्लिश कराती है और एक अहम बात एमली डिकनसन की लाइफ के बारे में है कि जो वो पूरी ज़िंदगी अनमेरिड रहती है कुंारी रहती है शादी नहीं करती है और प्रेजेंटली जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ये लिखी गई थी 1859 में और ये पब्लिश हुई 1864 में एनोनिमसली दोस्तों इस पॉइम में टोटल ट्वेल्व लाइंस है जो कि तीन क्वार्टेन्स में बटी हुई है नाउ द मोस्ट ओबियस ऑफ द थीम्स इन हर पॉइंस और मोर्टेलिटी एंड डेथ इनकी पॉइमस में जो थीम्स है वो मोटेलिटी डेथ और फिर ये आफ्टर लाइफ की पोजीशन से इन चीज़ों को देखती है कि ये ऑलरेडी इट जो दूसरी दुनिया है मरने के बाद की दुनिया है वहाँ से एनालिसिस करती है अपनी पॉइम की वो हम आगे देखेंगे जब हम पॉइम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें थीम ऑफ इमोटेलिटी जो इटरनल लाइफ क्रिश्चैनिटी और इस्लाम मेजर रिलीजनस जो है इन 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 रिलिजनस में इमोटेलिटी का एक थीम है कि हम जब मरते हैं तो हम हमेशा वाली ज़िंदगी वही होती है तो वहाँ से इन्होंने एनालिस किए सो दिस इज़ हाउ कि इमली डिकनसन की पॉइम में जो है थीम ऑफ मोटेलिटी डेथ एंड इमोटेलिटी है और इन्होंने डेथ के बारे में अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पॉइम का देखेंगे इन्होंने डेथ और मोर्टेलिटी इमोटेलिटी के बारे में इसलिए लिखा था क्योंकि इनके बहुत क्लोज जो फ्रेंड सर्कल था उसमें कई लोगों की डेथ हुई थी जिसमें कि इनके एक कज़िन भी थे और दूसरी बात यह भी कि इमली डिकेंसन uh, एक सिमिट्री के नज़दीक रहती थी uh, जो कब्रिस्तान जिसको कहेंगे तो उससे भी इनको एक रोज़ वहाँ पे लाशें देखना बाकी चीज़ देखना तो डेथ और इमोटेलिटी का थीम पाया जाता है एंड अनदर थिंग शी एक्चुअली स्टडीड इन मिशनरी स्कूल्स इन इन हर अर्यर लाइफ तो वहाँ पे भी सोलवेशन वगैरह के बारे में क्रिश्चनटी में पढ़ाया जाता है सो दिस इज़ हाउ थीम्स ऑफ मोटेलिटी डेथ

तो इसमें ट्वेंटी फोर लाइन्स होंगी एक्चुअली इन द प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था इमली डिकनसन की और एक पॉइंट सक्सेस इज काउंटेड नॉट टेस्ट सक्सेस इज काउंटेड सोटेस्ट बाई दो नेवर सक्सीड इनकी और एक पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया तो उसमें ट्वेल्व लाइनस थी और उसमें तीन कॉट्रेन थे तो इस वाले प्रेजेंट पॉइंट में हमें छेन्नस मिलते हैं एक कॉट्रेन चार लाइन का सो टोटल ट्वेंटी फोर लाइन्स नाउ uh, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस पॉइंट में परसेप्शन ऑफ डेथ है आफ्टर लाइफ है और वो जर्नी बताया गया है कि हम किस तरह से एक कैरेज का ज़िक्र है इसमें जो कैरेज लेके जाता है हमें uh, उस कबर तक और कबर के बाद आफ्टर लाइफ तक नाउ डिकनसन ने यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है परसोनीफिकेशन एल्यूजन एलिट्रेशन ना एल्यूजन इज हिस्टोरिकल रेफरेंस एलिट्रेशन जब रिपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंडस वो हम आगे जब पॉइम डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे परसोनीफिकेसन बहुत इंपॉर्टेंट लिट्रेरी डिवाइस इन्होंने अपनी पॉइम में यूज़ किया है जैसे कि इन्होंने परसोनीफिकेसन एक लिटररी फिगर ऑफ डिवाइस है जिसको uh, जो हम एक ह्यूमन क्वालिटी देते हैं किसी एनिमल को या किसी एबस्ट्रैक्ट आइडिया को यहाँ पे डेथ और इमोर्टेलिटी एक एबस्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं इनको कैरेक्टर्स की शक्ल दी गई है जैसे हम पॉइंट पढ़ेंगे बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉपड फॉर मी ही का मतलब यहाँ पे डेथ डेथ इज इट्स एन एबस्ट्रैक्ट आइडिया नाउ यहाँ पे इमली डिकनसन कहते है कि वो मेरे लिए रुका मौत तो मौत को इन्होंने एक करेक्टर की शक्ल दी है दिस इज हाउ इट इज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन नाउ हर फैमिली फैमिलिटी विद दैम एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम कॉज इज द रीडर टू फील एट ईज विद द आइडिया ऑफ डेथ बट एज द पॉइंट प्रोग्रेस एक सडन पहले पहले ये वेलकम करती है डेथ को ये इसको मानती है कि डेथ मेरे लिए सिविलाइज्ड है डेथ मेरे लिए काइंड है लेकिन एक दफ़ा आता है जब ये कबर में अंदर जाती है फिर उसको वो छत दिखता है कि एक अंधेरी कोठरी है तो इसको लग रहा है कि मेरे साथ एक धोखा हुआ है ये जो ये जो लाइफ है यहाँ पे इट इज़ कम्प्लीटली क्रूअल एंड एवल नाउ डेयर स्टूडेंट्स अब हम लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पॉइम का सो काइंडली वॉच टिल द एंड ऑल्सो दोज आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद द फ्रेंड्स बिकॉज योर सपोर्ट इज ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे मुझे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है सो दैट आई कैन अपलोड मोर सच वीडियोज ओके नाउ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आर सेल्व एंड इमोटेलिटी जैसे कि मैंने पहले ही बताया ऑथर जो है एमली डिकेंसन, ये परसोनीफाई करती है डेथ को और इसको पोर्ट्रे करती है एज अर क्लोज फ्रेंड ये बोलते हैं कि मैं उसके लिए नहीं रुकी मौत के लिए ही काइंडली स्टॉपउ फॉर मी वो मेरे लिए रुका ये उसकी मेहरबानी है और दैट्स हाउ uh, कि मैं वो मेरे लिए रुका और यहाँ पे प्लीजेंट टोन दिखा है द प्लीजेंट टोन ऑफ द पॉइम फॉर द सच दैट द ऑथर इज क्वाइट कंफर्टेबल विद द डेथ इसको डेथ की कोई चिंता नहीं है द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आर सेल्व इस कैरेज में कौन था हम लोग थे एंड इमोटेलिटी हम लोग आवर सेल्व अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आवर सेल्व का मतलब है एक डेथ है एंड एक इमलीडिकेंसन है उस कैरेज में डेथ है और इमलीडिकसन है एंड थर्ड थिंग इज इमोटेलिटी नाउ ये कैरेज में जा रहे हैं डेथ इमोटलिटी एंड एमिलडिक वी स्लोली ड्रो ही न्यू नो हेस्ट एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू फॉर हिज सिबिलिटी हम आहिस्ता से कैरेज में जा रहे थे कोई जल्दबाजी नहीं थी नो हेस्ट डेथ को कोई जल्दबाजी नहीं थी मेरे लिए एंड आई हैड पुट अ वे और मैं भी चना चाहिए मेरे लिए बहुत ही काइंड था मेरे लिए बहुत ही सिविलाइज था मैंने भी जो अपना लेबर है काम काज का टाइम है उसको साइड में छोड़ा एंड मई लेजर टू जो मेरा फिरसत का टाइम है वो भी मैंने साइड में छोड़ा किस लिए फॉर हिज सिविलिटी बिकॉज द डेथ सीम्ड टू बी सिविलाइज फॉर मी सो इसमें नीचे लिखा है ये आप खुद पढ़िएगा स्क्रीन शॉट भी ले सकते आप लोग वी पास द स्कूल वायर चिल्ड्रंस ट्रो एट रिसेस

फिर मैच्योरिटी की तरफ भी हम पहुँचे आखिरकार वी पास द सेटिंग सन सेटिंग सन मे बी सिम्बॉलिकयर जो कि डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर हम सेटिंग सन से गुजरे सो प्लीज़ रीड द लाइन विच आई हैव मेंशन इट इज जस्ट फॉर यू पीपल ऑनली मैंने सोचा कि आप खुद इसको पढ़ेंगे स्क्रीन शॉट भी ले सकते आप और रादर ही पास्ट एस द डिवज ड्रिव क्यूरिंग एंड चिल फॉर ओनली गोसामर माई गाउन

विंटर का टाइम होता है ये बहुत ही कठिन होता है बहुत ही सर्दी का मौसम है जो डिव्स है वो क्यूरिंग एंड चिल यानी बहुत ही सर्द है जिससे कि शिवरिंग हो रही है फॉर ओनली गोसामर माई गाउन जब ये उस कैरेज में जा रही है उस ताबूद में जा रही है उसने खाली वो जो कफन पहनते हैं गोसामर ठीक है एक गाउन होता है गोसामर जो कि बहुत ही पतला होता है माई टिपेट ऑनली टुले दोस्तों टिपेट जो है ये स्कॉर्फ होता है ऑनली टुले यानी सिल्क रेशम का बना था और ये पतला था एक साइड से इमेजरी दिखा रही है दिखा रही है कि ये सर्दी का मौसम है और दूसरी साइड से इसने कफन पहना है विच शोज़ द अनइजीनेस दैट शी वॉज अनड्रस्ड शी वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड एट दिस टाइम एंड विच शोज़ द कोल्ड डैम्प कोल्ड थिंग हेयर इट्स नॉट एक्चुअली द वन थिंग दैट शी रिप्रजेंट्स अर्लियर दैट डेथ वॉज कंसिडर्ड टू बी सिविलाइज इन द अर्लियर स्टेंजा बट हेयर जो एमले uh, डिकेंसन है ये बोल रही है कि मैंने जो सोचा था कि ये काइंड है सिविलाइज है यहाँ पर इमोडलिटी है लेकिन जब मैंने ये गोसा उमर देखा ये गाउन देखा और टिपेट देखा मैं प्रॉपरली ड्रेसड नहीं हूँ सो वी पास्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड द रूफ वॉज कॉर्सली विजिबल दॉर्निस इन द ग्राउंड अब इस टेंजा में फाइनली जब इन्होंने सन भी किया, इन्होंने स्कूल जहाँ रिस्सेस में बच्चे खेल रहे थे उसके बाद ग्रेजिंग ग्राउंड जो मैचोरटी दिखाती है फिर ये सन से गुजरे फाइनली शी रीच ए हाउस डेट सीम्ड एस ऑफ द ग्राउंड यानी कि एक कब्रिस्तान जो कबर थी कबर पर पहुँच गई वही तो स्वेलिंग ऑफ ग्राउंड होता है और जब मैं उसमें उतरी द रूफ ऑसली विजिबल मुझे छत बिल्कुल नहीं दिखा रही थी थी. Okay, मुझे छत दिख नहीं रही थी दॉर्निस इन द ग्राउंड जो कि वो कॉर्निस था नीचे से वो उसमें में थी और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा रहा था नो इन हर मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट बीन सेड्यूस्ड बाय द डेथ दॉ बिफोर अ न्यू हाउस द स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड ओके इट इज कार्सली विजिबल एंड द कॉर्निस इन द ग्राउंड सो so, यहाँ पे जो टोन है ना इट बिकम्स वन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट अर्लियर जो था वो डेथ को ये वेलकम कर रही थी एंड नाउ शी थिंक्स दैट मैंने तो ये सोचा नहीं था कि मौत मेरे लिए इस तरह से होगा सिंस देन इट इज सेंचुरीज अब तो सदियां बीत गई ये तो अब जब ये मर गई अब उस टाइम में इमेजिनेशन कर रही जब ये लिख रही है बोल रही है कि अब सदियां बीत गई मुझे यहाँ पे एंड येट फील शॉर्टर देन द डे मुझे लग रहा है कि एक दिन से ज्यादा भी नहीं हुआ I first surmised the हॉर्स इज़ हैड स्वयर टूवर्ड्स इटर्निटी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कि मैंने पहले सोचा था कि डेथ इज़ जेंटलमैन, डेथ इज़ सो गुड इट इज़ सो सिविलाइज्ड बट अब इस मौत ने मुझे अकेले इस स्वेलिंग uh, ग्राउंड में मुझे धकेल दिया मैं, मुझे यहाँ पे ये डार्क कोल्ड एंड डैम्प ग्रेव है यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है मुझे यहाँ छोड़ा और इट्स नॉट गुड बट शी कंक्लूड्स एंड शी रियलाइज़ज़ज़ आई फर्स्ट सरमाइज़ का मतलब कि मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि जो हॉर्स के हेड्स हैं दे वायर टूवर्ड्स इटर्निटी दिस अगेन होप अर्लियर ऑल्सो द डेथ इज़ सिविलाइज एंड काइंड एंड इन द एंड बीच में जब फोर्थ स्ट पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है पॉइट को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं है लेकिन लास्ट इन वर्ड्स से हमें एक उम्मीद की किरण मिल रही है जब ये बोल रहे कि हॉर्स हेड्स वायर टूवर्ड्स तो इटर्निटी दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा ये पॉइम समझ में आई होगी काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आइकन भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मे गॉड ब्लेस यू अल्लाह हाफिज़